हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर जो हमारे फ़ोन में ये एपी बैंड है तो एपी बैंड को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए जैसे आइकन हमारे शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन से ओपन आएंगे, सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, ओपन हो जाएगी। फिर आपको सेटिंग्स को यहाँ पर सर्च करना है, एपी बैंड। तो सर्च करते ही तो नहीं आया तो आपको मोबाइल हॉटस्पॉट सर्च करना है। सर्च करते ही आपकी हॉटस्पॉट सेटिंग्स ओपन होगी, इस पर जाएंगे तो जो एपी बैंड है तो एपी बैंड को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एपी बैंड के जो दो ऑप्शन आते हैं यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। एपी बैंड को क्लिक करेंगे तो 5G एट प्रेफर्ड या 3.4G एट प्रेफर्ड को आप सेट कर सकते हैं। अंदर से 5 करेंगे तो कुछ इस तरीके से शुरू करता है, इसको 2H में जरूरत है। तो इस तरीके से आप एपी बैंड को सेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी, कनेक्शन सेटिंग पर जाकर भी एपी बैंड को सेट कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सेटिंग्स पर जाकर यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं और सेट कर पाएंगे, जैसे 5G H या फिर 2.4G H को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से।